नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। तो सबसे पहले मल्टीप्लेक्सिंग समझिए। तो व्हेन लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल्स हैव टू बी ट्रांसमिटेड ओवर ए कॉमन चैनल, मल्टीप्लेक्सिंग इज रिक्वायर्ड। जब हमें कई सारे सिग्नल्स को एक ही चैनल पर ट्रांसमिट करना होता है, कॉमन चैनल पर ट्रांसमिट करना है, तो उस केस में हमें मल्टीप्लेक्सिंग करनी होती है, सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करना होता है। अब हम बात करें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई एक सिग्नल है वो पर्टिकुलर एक टाइम के लिए पूरी बैंडविड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, ठीक है ना। टाइम में हम बांट देंगे सिग्नल्स को कि थोड़े समय के लिए एक सिग्नल जाएगा, फिर थोड़े समय के लिए एक सिग्नल जाएगा, इस तरीके से समझेंगे इसे किस तरीके से क्या होता है। तो TDM इज यूज फॉर मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। तो बेसिकली इसे हम डिजिटल सिग्नल का मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए यूज करते हैं। TDM टेक्निक है दैट इज यूज फॉर द डिजिटल सिग्नल मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। और जो FDM था वो हमने जो एनालॉग सिग्नल्स थे उसके लिए यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये इसका जो TDM सिस्टम है उसका डायग्राम हमने बनाया है। तो यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है कि तीन सिग्नल हमारे पास अवेलेबल है, तीन मैसेज सिग्नल अवेलेबल है, जैसे M1T, M2T, MD3 से रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले हमने लो पास फिल्टर लगाया, लो पास फिल्टर फॉर एंटी अलियासिंग, LPF वर्कर्स एंटी एलियाजिंग फिल्टर, जैसा कि हमने आपको बताया था, जिससे कि एलियाजिंग की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसके बाद जो सिग्नल आपको मिलेगा वो बैंड लिमिटेड सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक कम्यूटेटर लगाया है, देन क्वांटाइजर, एनकोडर और फिर चैनल हो जाएगा, फिर डिकोडर लगाया जाएगा और फिर एक डी कम्यूटेटर, देन लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर लगाएं और देन आपको मैसेज सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है ना। ये इसका डायग्राम है बेसिकली। तो एक एक ब्लॉक का हम फंक्शन समझते हैं बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा है। तो लो पास फिल्टर तो बेसिकली बैंड लिमिट करने के लिए यूज कर रहे हैं, एंटी अलियासिंग फिल्टर की तरह काम कर रहा है। तो आपको मैसेज सिग्नल है इस तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। जो कम्यूटेटर है बेसिकली, कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर इज ए रोटेटिंग स्विच विच रोटेट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। ये एक स्विच है बेसिकली आप कह सकते हैं। तो ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, डायरेक्शन में दिखाया है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे रोटेट करेगा। एंड द टाइम टेकन बाय द कम्यूटेटर टू मेक वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड एज फ्रेम टाइम TS। जो एक पूरा ये चक्कर लगा लेगा, एक पूरा टाइम लगाएगा तो उसमें कुछ, एक राउंड लगाएगा पूरा तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, तो उस टाइम को हम कह रहे हैं फ्रेम टाइम। तो बेसिकली जो कम्यूटेटर है आप कह सकते हैं कि ये सैम्पलिंग करने के काम में आ रहा है, सैम्पलिंग कर रहे हैं हम इसकी मदद से। सबसे पहले इसका एक सैंपल ले लिया, जब इस पर कनेक्ट हुआ तो आप कह सकते हैं कि इसका जो सैंपल है उसे यहाँ से एक सैंपल ले लिया इसका, ठीक है। इस पर कनेक्ट हुआ तो इसका सैंपल ले लिया, इस पर कनेक्ट हुआ तो इसका सैंपल ले लिया, यही तो होगा। तो यही सैंपल प्रेजेंट होंगे बेसिकली। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो सैंपल इसका लिया था वो T1 टाइम पर लिया था, यहाँ पर देखा है हमने, ये T2 पर ले रहा है और ये T3 पर ले रहा है। पहले राउंड में इसने तीन सैंपल ले लिए, ठीक है। तो उसे यहां पर हमने दिखाया है कि T1 पर एक सैंपल लिया, T2 पर, T3 पर। ये मैसेज सिग्नल बेसिकली उनके सैंपल दिखा दिए, इसका सैंपल दिखा दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस इधर आएगा। तो यहां तक जो टाइम है इसे हमने कहा फ्रेम टाइम TS, ठीक है। ये फ्रेम टाइम है बेसिकली। तो इस डेटा को हम ट्रांसमिट बेसिकली करते हैं एक फ्रेम में, जितने और ज्यादा सिग्नल्स होते तो ये और ज्यादा सिग्नल्स इसके अंदर आ जाते। तो वही हमने लिखा है कि कम्यूटेटर इज यूज टू सैंपल मल्टीपल नंबर ऑफ कंटिन्यूस सिग्नल्स, ठीक है ना। मल्टीपल नंबर्स ऑफ सिग्नल्स हैं उन्हें ये सैंपलिंग इसकी कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इसे हम क्वांटाइजर में अप्लाई करेंगे। क्वांटाइजर, क्वांटाइजर क्या करेगा, क्वांटाइजर बेसिकली ये क्वांटाइजेशन प्रोसेस में आपने देखा होगा, जो क्वांटाइजेशन प्रोसेस है बेसिकली ये जो सिग्नल की वैल्यूज जो आ रही है बेसिकली इन्हें जो सिस्टम है बेसिकली क्वांटाइजर में कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं उन पर सेट कर देगा। जैसे यहाँ पे मैं मान के चलिए कि 1.2 आ रहा है, लेकिन क्वांटाइजर में 1 वोल्ट है तो ये 1.2 को एडजस्ट कर देगा 1 वोल्ट पर। यहाँ पे मान के चलिए 2.4 है तो उसे 2 पर एडजस्ट कर देगा, या 3.2 होता है तो 3 पर एडजस्ट कर देगा। इस तरीके से क्वांटाइजर में क्या वैल्यूज है बेसिकली, ये क्वांटाइजेशन प्रोसेस आप देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। तो क्वांटाइजेशन किया जाएगा, क्वांटाइजेशन करने से आप क्या है कि एनकोडिंग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इस वजह से हम क्वांटाइजेशन कर रहे हैं। तो इस सैंपल से बेसिकली क्वांटाइज किए जाएंगे, क्वांटाइजर में अप्लाई किए जाएंगे और क्वांटाइजर के बाद इसे हम
एनकोडर में अप्लाई करेंगे। तो क्वांटाइजर पर हमने जो सिग्नल उसे रिप्रेजेंट कर दिया एम क्यू एन टी एस, एन टी एस बेसिकली सैंपल्स में हो गया, इस वजह से यहाँ पर टी नहीं लिखा है हमने, ठीक है ना, एन टी एस लिखा है, सैंपल सिग्नल है और क्वांटाइज कर दिया गया है, ठीक है। एनकोडिंग, तो एनकोडिंग आप करेंगे पर्टिकुलर सैंपल है, जैसे वन वोल्ट, जैसे हम कह रहे थे वन वोल्ट को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वन जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज, तो वन जीरो से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। टू वोल्ट है उसे आप और कुछ वन वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उससे कर सकते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर आपको बिट सीक्वेंस मिल जाएगा, तो उस बिट सीक्वेंस का आपको चैनल पर ट्रांसमिट कर देना है, ठीक है। तो इधर रिसीवर साइड में आप आएंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको रिवर्स ऑपरेशंस करने होंगे, तो जो एनकोडिंग आपने किया था उसका रिवर्स आप करेंगे तो डिकोडिंग किया जाएगा, डिकोडिंग। तो डिकोडिंग करने के बाद आपको यही सिग्नल मिल जाएगा जो क्वांटाइज सिग्नल था बेसिकली, वही तो मिल जाएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पर एम क्यू एन टी एस लिखा है, ठीक है, ये सिग्नल हो जाएगा। अब जो क्वांटाइजर है, क्वांटाइजर का रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली आप देखें तो ये पीसीएम सिस्टम ही तो है, ये पीसीएम सिस्टम है, बस आप यहाँ पर कई सारे सिग्नल्स को एक साथ मल्टीप्लेक्स करके भेज रहे हैं, यही तो डिफरेंस आया है। तो वही पीसीएम सिस्टम है, तो यहाँ पर जो क्वांटाइजर है उसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर क्वांटाइजर का कोई रिवर्स प्रेजेंट भी नहीं है। उसके बाद जो कम्यूटेटर लगाया है, जो सैम्पलिंग किया है, ठीक है ना, अब कम्यूटेटर का आपको रिवर्स लगाना पड़ेगा, तो हमने डी कम्यूटेटर यूज़ किया है। तो डी कम्यूटेटर बेसिकली यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि डी कम्यूटेटर यहाँ पर जैसे सैंपल्स इसने किए थे तो यहाँ पर ये सैंपल्स को बेसिकली यहाँ पर तो सैम्पलिंग करने काम में आया था, यहाँ सैम्पलिंग नहीं, बेसिकली आप कह सकते हैं सैंपल्स है उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पहले वाले का सैंपल देगा, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, इस वजह से सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये, ठीक है ना। सैंपल से जो कंटिन्यूस सिग्नल मिलेगा बेसिकली वो आपका लो पास फिल्टर से मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कुछ सिग्नल इस तरीके से था, जो पहला फ्रेम हो गया उसमें वन टू थ्री तीनों सिग्नल के एक एक सैंपल हो गए, दूसरा फ्रेम होगा तो उसका टाइम होगा टी वन प्लस टी एस, ठीक है ना, टी एस एड हो गया यहाँ पे, टी वन प्लस टी एस, टी टू प्लस टी एस, टी थ्री प्लस टी एस, इस तरीके से। तो दूसरा फ्रेम हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा टी वन प्लस टू टी एस, टी टू प्लस टू टी एस, टी थ्री प्लस टू टी एस, इस तरीके से, ठीक है ना। ये तीन सैंपल यहाँ पे हम दिखाए, तीन फ्रेम टाइम बेसिकली दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो जब ये जाएगा तो आप कह सकते हैं कि जब फर्स्ट जो पहुंचेगा, जो पहला सैंपल है, तो यहाँ पर टी वन टाइम पर बेसिकली इसे आप इस तरीके समझ सकते हैं, जो पहला सैंपल है वो इस जगह पर आ गया इसका, ठीक है ना। जब ये फ्रेम पहुंचेगा तो पहले सैंपल को इसे दे देगा। यहाँ पर बेसिकली जो डी कम्यूटेटर है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, सिंकोनाइज स्पीड में दोनों रोटेट करेंगे, तो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, डायरेक्शन में हमने दिखाया है क्लॉक वाइज में, ठीक है ना। तो जो फ्रेम आएगा सबसे पहले, तो इसने जो T1 पे इसे पहला इसका सैंपल दे दिया T1 वाला, उसके बाद ये आया तो दूसरा सैंपल था बेसिकली उसे यहां पर दे दिया, ठीक है। तीसरे वाले पर तीसरा सैंपल इस पर आ जाएगा, तो इस पर तीसरा सैंपल दे दिया, ठीक है। तो एक फ्रेम कंप्लीट हो गया, और फिर दूसरा होगा तो दूसरे का जो सैंपल होगा उसे फिर घूम के फिर यहां पर पहुंचेगा, तो इस जगह पर फिर ये सैंपल दे देगा इसका, तो ये, ठीक है ना, इसका जो सैंपल होगा दूसरे वाला थोड़ा सा कम लिया है हमने, ठीक है ना। ये पहला वाला सैंपल है इसके टी टू का, और यहाँ पे टी टू का देख रहे हैं इससे थोड़ा सा कम है ना, इस वजह से कम होगा। उसके बाद इसे आप लेंगे तीसरा वाला, जो तीसरा ये भी थोड़ा सा कम है, ये हो जाएगा, ठीक है ना, सेम थोड़ा और बढ़ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये सैंपल्स हो जाएंगे। अब जो लो पास फिल्टर होगा, लो पास फिल्टर इन सैंपल्स को, जो सैंपल यहां पर हैं इनसे कंटिन्यूस सिग्नल आपको मिल जाएगा। बेसिकली इसमें कैपेसिटर रहता है, तो चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, तो एक कंटिन्यूटी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो आपको इस जगह पर जो सिग्नल आपने बेसिकली जो ट्रांसमिट किए थे वही उसी टाइप के सिग्नल्स मिल जाएंगे। थोड़ा क्वांटाइजेशन एरर जरूर होगा, ठीक है ना। तो कुछ सिग्नल इस तरीके से यहाँ पर एम वन और एम टू आपने जैसे भेजा था, और एम थ्री सिग्नल जो आपने भेजे थे, सिग्नल्स आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिकली न्यूमेरिकल्स पर्पज के लिए आप इसमें देख सकते हैं, अगर इफ नंबर ऑफ सिग्नल्स मल्टीप्लेक्स इज इक्वल टू एन,
अगर नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्स सिग्नल है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया है, और नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, एक सैंपल को बिट से रिप्रेजेंट करने के लिए एन नंबर ऑफ बिट्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया है, जो फ्रेम टाइम होगा बेसिकली वो जाएगा कैपिटल एन इंटू टीबी, ठीक है ना। तो फ्रेम टाइम होगा ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इतने सिग्नल्स हैं उनसे मल्टीप्लाई किया है, और एन इज द एक सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए इतनी बिट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और टीवी इज द बिट ड्यूरेशन, एक बिट का ड्यूरेशन है बेसिकली, एक बिट है वो कितना टाइम ले रही है, ठीक है ना। उसे बेसिकली पल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना वो टाइम ले रही है उस टाइम को इनटू जितनी बिट हो जाएंगी और मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने मल्टीप्लेक्स किए हैं, तो ये फ्रेम टाइम हो जाएगा। तो हम यहां से टीवी इज इक्वल टू लिख सकते हैं टी एस अपॉन कैपिटल एन इन टू एन, ठीक है ना। तो बिट रेट जो होता है इसे आरबी से रिप्रेजेंट करते हैं, आरबी इज इक्वल टू वन अपॉन टीवी होता है, तो आरबी लिखा जा सकता है एन एन अपॉन टी एस, और वी कैन से आरबी इज इक्वल टू एन इन टू एन एफ एस, टी एस वन अपॉन टी एस इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है ना। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जिसे आप कह सकते हैं, तो आरबी हो जाएगा एन कैपिटल एन इंटू एन एफ एस बिट्स पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अगर एन इज इक्वल टू वन हो जाता है, कैपिटल एन वन होता है, तो आर बी इज इक्वल टू होगा एन एफ एस, जो कि पीसीएम का केस हो जाता है, ठीक है ना। तो जनरली ये फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल्स में यूज कर लिया जाता है, आप ये कर सकते हैं। इसके लिए जो थ्योरी अभी हमने जो एक्सप्लेन की है बेसिकली, उसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं जल्दी से। तो डी कम्यूटेटर इज ऑल्सो रोटेटिंग स्विच विद रोटेट इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म स्पीड एज कम्यूटेटर, जैसे हमने आपको बताया। द आउटपुट ऑफ डिकोडर विल बी क्वांटाइज सिग्नल, फ्रॉम दिस क्वांटाइज सिग्नल डी कम्यूटेटर एक्सट्रैक्ट सैंपल करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द मैसेज सिग्नल एंड प्रोड्यूस एट द इनपुट ऑफ द रेस्पेक्टिव लो पास फिल्टर। इन द रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल फाइनाइट अमाउंट ऑफ क्वांटाइज एरर विल बी परमानेंटली रिटेन्ड, ठीक है ना। जो रिकंस्ट्रक्ट सिग्नल होगा उसमें क्वांटाइजेशन एरर की कुछ फाइनाइट अमाउंट होगा, वो हमेशा के लिए रहेगा। फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ टी डी एम स्पीड सिंक्रोनाइजेशन टू बी मेंटेन बिटवीन कम्यूटेटर एंड डी कम्यूटेटर। अगर आप टी डी एम का चाहते हैं कि ऑपरेशन में प्रॉपर हो, तो जो कम्यूटेटर है और डी कम्यूटेटर है उन दोनों के बीच में स्पीड सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है ना। और ये स्पीड सिंक्रोनाइजेशन को बेसिकली एंश्योर करने के लिए कुछ नंबर ऑफ एडिशनल बिट्स ट्रांसमिट की जाती हैं एट द एंड ऑफ ईच फ्रेम। जो फ्रेम है उसके बाद में एक हम एडिशनल बिट्स कुछ ट्रांसमिट करते हैं, जिससे कि सिंक्रोनाइजेशन बना रहे, ठीक है ना। तो अगर एडिशनल बिट्स हमने कह दिया है कि ए है, एडिशनल बिट ए का है, तो जो फ्रेम टाइम इस समय हो जाएगा टी एस इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस ए टी बी, तो इससे बिट रेट हो जाएगा एन एन प्लस ए एफ एस, ठीक है ना। बिना इसके जो यहाँ पर तो जैसे कोई टाइम नहीं हमने बीच में दिया है सीधा, ठीक है ना। इस केस में कुछ ए बिट्स एक्स्ट्रा बिट्स हम भेज रहे हैं, ठीक है ना, एडिशनल सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो आप कह सकते हैं कम्यूटेटर और डी कम्यूटेटर दोनों को सिंक्रोनाइज होने के लिए टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर तो नॉर्मल है, यहाँ कुछ ए नहीं था, सिंपली आर बी इज इक्वल एन इन टू एन एफ एस था, और यहाँ पर ए है तो ए लग गया, ठीक है ना, क्लियर है डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। आई थिंक आपको टी डी एम समझ में आया होगा। थैंक यू।